अभी मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो गर्लफ्रेंड छोड़ देगी। चलो इसके बारे में बातचीत करते हैं। काफी बच्चे मेरे पास में आते रहते। भी कुछ दिन पहले एक लड़का आया, 17-1 साल का, 18 साल का लड़का, और उसकी गर्लफ्रेंड है। और आजकल तो जैसा मैंने पहले वीडियोस में कहा है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बहुत ही कॉमन हो चुका है। यदि आपको गर्लफ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है, तो आप तो पुराने जमाने के कहलाए जाते हैं। तो उसने गर्लफ्रेंड के साथ में सेक्स किया और उसमें वो असफल हो गया। डर था, बहुत ही डर, कोई आ जाएगा देख लेगा, होगा नहीं होगा, ऐसा मतलब बहुत सारा डर था। और उसमें भी मतलब प्रेशर की, चलो कोई तो भी मतलब उसके कमरे में वो लड़की आई थी और उसको डर था कि भाई और कोई आ जाएगा घर में, तो उसमें फिर वो जल्दी जल्दी करने में उसका कुछ इरेक्शन हुआ नहीं और वो फेल हो गया। फिर और एक बार उसने ट्राई किया, उससे भी ऐसी डर था, जल्दी जल्दी में कुछ तो भी हुआ और वो कर नहीं सका। अब वो बन गया पूरा कंप्लीटली टेंशन फुल, मतलब पूरा एंग्जाइटी है उसको आगे कि अभी मैं कर सकूंगा नहीं कर सकूंगा। और उतने में ही गर्लफ्रेंड ने बताया कि देखो अभी यदि आप एक मौका दूंगी इसके बाद में और वो आप नहीं कर सके तो फिर हमारी दोस्ती खत्म। तो वो आते से ही जैसा बोलने लगा और रोने लगा, बोले अभी सिर्फ एक ही चांस मुझे गर्लफ्रेंड ने दिया हुआ है और वो यदि मैं नहीं कर सका तो गर्लफ्रेंड छोड़ देंगी शायद, इसके साथ में मेरी शादी भी हो जाएंगी आगे चल के, ऐसा हमारा रिश्ता है, और वो छोड़ देंगी तो अभी कैसा भी करके मुझे बचाओ। अब मैंने उसको ये बताया कि भैया टेंशन एक ही जगह रहेगा, दिमाग में रहेगा या लिंग में रहेगा। यदि दिमाग में टेंशन है तो नीचे सेक्सुअल ऑर्गन्स में टेंशन आएगा नहीं, दिमाग रिलैक्स है तो नीचे टेंशन आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों जगह टेंशन है। तो फिर उसके लिए करना क्या है? उसके लिए दिमाग शांत होना जरूरी है। नहीं बोले मगर उसने तो मेरे को थ्रेट दिया हुआ है अभी कि बस अभी आप नहीं कर सके, इसके बाद में एक चांस जब आएगा तब तो फिर मैं तो अभी छोड़ दूंगी और अपना रिश्ता खत्म हो गया क्योंकि आप आदमी में नहीं है। तो फिर उसको ये बताया मैंने कि भैया देखो आप ये बोल रहे हैं कि वो थ्रेट दे रही है, वो प्रेशर डाल रही है, तो ऐसे इसमें तो आपको होगा ही नहीं इतना प्रेशर। पहले ही आप टेंशन में हैं, पहले टेंशन में रहते हैं, है ना, कि कोई देख लेगा, चुपके चुपके करना है, कोई पकड़ लेगा, होगा नहीं होगा। अभी दो बार आप फेल हो चुके हैं, अभी तीसरे बार वो भी टेंशन दिमाग के ऊपर है कि पहले दो बार मैं फेल हो चुका हूँ, अभी तीसरे बार सक्सेसफुल होगा नहीं होगा। और ये अवस्था में यदि आप तीसरे बार अप्रोच करते हैं तो चांसेस ये है कि आप फेल ही हो जाओगे। तो उससे अच्छा आप कोशिश ही मत करो, उसके जाना है तो जाने दो। नहीं नहीं बोला ऐसा कैसा संभव है? मतलब भाई आज वो बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ में रह सकती नहीं हूँ, आप कामयाब नहीं हो, आप पुरुष नहीं हैं, ऐसा मुझे लगता है। अभी आप समझ के चलो कि कल शादी हो गई और शादी के बाद में आपको कुछ हुआ या इसी इस तरह का ही कुछ प्रॉब्लम आ गया और आप नहीं कर सके तो फिर छोड़ देगी वो, मतलब आपके साथ में खड़े रहने को तैयार नहीं है। तो ये कहाँ की आपकी पत्नी हो सकती है? ये तो ऐसा है कि आज तुम्हारे साथ में कल और कहीं चले जाएंगे कि वो आपको प्रेशर डाल रही है। उसको एक तो मेरे पास में लाओ, अपन काउंसिलिंग में उसका करूंगा, उसको बताऊंगा क्या करना क्या नहीं। और आप यदि दोनों सोच समझ के शांति से सेक्स करते हो तो पूरे चांसेस कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तुमने आप कहा पर से बोले, मतलब मैं टेस्ट करता हूँ उसका, डॉपलर का टेस्ट किया, मतलब कंप्लीटली नॉर्मल है, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीटली नॉर्मल है, मास्टरबेशन की हिस्ट्री, मास्टरबेशन करता है, इरेक्शन होता है, इजैकुलेशन होता है, मतलब बाकी सभी नॉर्मल था। तो फिर अभी क्या तुम्हारा उसको जाने दो? नहीं बोले मेरे को तो करना है। फिर मैंने बोला भाई मेरे पास में एक ही है कि एक तो आप सिल्डानाफिल की टैबलेट लो या पेपेवरिन का इंजेक्शन लो। मतलब पेपेवरिन का इंजेक्शन जो है वो ज़्यादातर काम में आ सकता है, सिल्डानाफिल भी हम बोल सकते हैं, जब पेपेवरिन का चांसेस ज़्यादा है कि आप बहुत ज़्यादा दिमाग में प्रेशर रहने के बावजूद भी कर सकोगे। तो मतलब भाई मैं आपको पेपेवरिन का इंजेक्शन दूंगा, एक घंटा पहले आ जाना या अकोला में आके मुकाम करना, मगर ये सब मैं एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, मतलब दिस इज नॉट एडवाइजेबल, मेरे तरफ से एडवाइस नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। अभी आप इतना मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि अभी मैं खुदकुशी कर लूंगा, आत्महत्या कर लूंगा, ये तो मेरे से सहा नहीं जाएगा, अब तो ये लड़की मेरे को छोड़ देंगी, मेरे को मरना पड़ेगा। तो अभी मतलब वो दिमाग में रख के मैं आपके लिए खड़ा हूं कि भाई अभी क्या कर सकते हैं। तो पेपरिन का इंजेक्शन लेके ऐसा अनैतिक संबंध करना और ये ऐसा चुपके करना, इसके मैं खिलाफ हूं, ये करना ही नहीं चाहिए। मगर आप अभी खुदकुशी करेंगे बोलते हैं और फेल हो जाएंगे तो, क्योंकि फेल होने के पूरे चांसेस है, और आप यदि खुदकुशी करेंगे तो एक जान चले जाएंगी खामोखाब। तो उसके लिए भी मैं खड़ा हूं कि भाई आपको काउंसिलिंग कर रहा हूं, बता रहा हूं, नहीं तो फिर पेपरिन का इंजेक्शन लेके आपको करना पड़ेगा। बोले ठीक है मैं वैसा करता हूं कोशिश। और फिर उसको ये भी बढ़ गया कि भाई इतना प्रेशर वो करती है तो फिर वो आपको जिंदगी भर अपने को जिंदगी कैसे साथ देगी, वो तो पॉसिबल ही नहीं है।
और गर्लफ्रेंड आज ये है, उसके लिए बॉयफ्रेंड आज ये है, कल और बॉयफ्रेंड हो जाएगा, उसको तो सेक्स चाहिए। तो ऐसे ही इसमें ये रिश्ता आगे बहुत दिन तक टिकने वाला है नहीं, तो उसको आज ही आप समाप्त कर दो। ऐसा जब उसको मैंने काउंसिलिंग किया, उसको भी पड़ गया, बोले ठीक है अभी मैं उसको ये बोल देता हूँ। मैंने तो बेहतरीन ही है कि आप उसको बोल दो कि ऐसा टेंशन से हो रहा है, ऐसा प्रेशर मत डालो। लगे तो मैं सर्टिफिकेट दे सकता हूँ आपको कि आप सेक्सुअली कंप्लीटली नॉर्मल हो। तो बोले ठीक है अभी मेरे को समझ में आया, वो बहुत ही शांत हो गया। बोले ठीक है अभी मैं रिश्ता नहीं करूँगा, उसके साथ मैं संबंध नहीं रखूँगा, और ऐसा प्रेशर दे तो बिल्कुल ही रखूँगा नहीं, उसको जाने तो जाने दो। मतलब वेरी गुड, बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसा टेंशन से होता नहीं। अभी ये जो हिस्ट्री है ये सब जगह लागू है, जहाँ जहाँ इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, जहाँ जहाँ लिंग में कठोरता आती नहीं, सब जगह है। क्योंकि एक बार वो फेल हो गया कि दिमाग में वही रहता है कि अभी मैं दूसरे बार भी फेल हो जाऊँगा क्या, होगा कि नहीं होगा, फिर वो टेंशन लेके दूसरे बार जब जाता है तो दूसरे बार डेफिनेटली फेल हो जाता है। क्योंकि कठोरता लिंग में आने के लिए कम से कम आधा पाँव से लेके एक पाँव तक खून लिंग में जाना चाहिए, अंदर जाना चाहिए, और वो तभी संभव है जब दिमाग शांत है, ताकि जो ब्लड वेसल्स है आर्टेरियोल्स वो फुल जाती है, उसमें से एंटर करता है ब्लड पेनिस में और वहां से वो कठोर हो जाता है। तो उसके लिए सेक्सुअल स्टिम्युलेशन एक्साइटमेंट वो जरूरी है जो यहां से निकलती है दिमाग से, और वो हर जगह सेम टू रिपीट होती है। तो जिनको जिनको ये प्रॉब्लम है उन्होंने ये दिमाग में रखना चाहिए कि भाई पास्ट जो है तो वो असफल हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि अभी गारंटेड आप आगे भी फेल हो जाओगे। पास्ट का और प्रेजेंट का कोई संबंध है नहीं सफलता में सेक्स के बारे में। तो पास्ट में जो हिस्ट्री है वो कोई काम की नहीं है, आज क्या है वो दिमाग में रख के काम करना चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो काफ़ी सारे लोगों को शेयर करो, क्योंकि ये नौजवान लोगों में यही प्रॉब्लम है, रिसेंटली मैरिड है उन्होंने भी यही प्रॉब्लम है, और फिर ये प्रॉब्लम से लोग खुदकुशी तक स्टेप ले लेते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।